जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है संदीप। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि ईवी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक बाइक हो, कार हो, वो कैसे हमारे इन्वायरमेंट के लिए इतना इको फ्रेंडली है। वैसे आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक होती है वो किसी भी तरीके का गैस रिलीज नहीं करती, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस रिलीज नहीं करती, जिससे हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा शुद्ध रहता है। अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में तो इंडिया में करीब, अगर बाइक की बात करते हैं जो पेट्रोल से चलती है, वो करीब 22 करोड़ टू व्हीलर्स व्हीकल प्रेजेंट हैं इंडिया में। और अगर हम ये सोचें कि यही 22 करोड़ का सिर्फ 25% यानी कि 5 से 6 करोड़ की जो टू व्हीलर्स हैं, अगर उसे इलेक्ट्रॉनिक में तब्दील कर दिया जाए, यानी कि इसकी जगह ईवी व्हीकल्स इसकी जगह ले लें, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का जो ये फॉग की प्रॉब्लम है, इतना सारा जो डस्ट पार्टिकल्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जो एयर पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, वो कितना कम हो सकता है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करेंगे डिटेल में और जानेंगे कि इनमें जो प्रयोग होने वाली बैटरी है ये कैसे वर्क करता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक या स्कूटर की जो है, अगर आप उसे परचेस करते हैं तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स में जो बैटरी यूज़ होती है वो आखिर में होती कैसी है। तो दोस्तों आपको बता दूँ, ये एक लिथियम आयन बैटरी होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है। आप कहेंगे जो मोबाइल फ़ोन में बैटरी होती है तो पतली होती है, चपटी होती है, लेकिन ये जो बैटरीज हैं स्कूटी के तो काफ़ी बड़ी होती हैं। ये सिर्फ छोटे और बड़ा का ही अंतर आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, लेकिन बैटरी का जो दोनों वर्क है, जो एल्गोरिथम है, वो एकदम सेम टू सेम है। जो इसके काम करने का तरीका है वो एकदम सेम है। एक्चुअली ये ड्राई बैटरी होती है, जैसे आपको मोबाइल फ़ोन इसे एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं 100% तक, उसके बाद फिर आप उसे चार्ज करते हैं, उसी तरीके से सेम ये बैटरी भी वर्क करता है। इसको भी चार्ज करने में आपको वक्त लगता है। और अगर आपको बताऊँ कि ये एक्चुअली इतनी बड़ी और भारी कैसे होती है, तो दोस्तों आपको ये बता दूँ कि ये कोई सिंगल बैटरी नहीं होती, लिथियम आयन बैटरी की बहुत सी बड़ी सी बैटरी होती है, उसी को एक चार्ज करना है। तो मैं आपको बता दूँ कि एक, जैसे आप देख रहे हैं अभी, एक सिलिंड्रिकल छोटी सी लिथियम आयन बैटरी होती है। अब उस व्हीकल के अकॉर्डिंग कि उसे कितने बैटरीज की रिक्वायरमेंट है, कितनी कैपेसिटी उसे चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, उसी हिसाब से बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी बैटरीज को एक साथ में कंबाइन करके एक बड़े से चैम्बर में उसे फिट कर दिया जाता है, और उसी को लिथियम आयन बैटरी कहा जाता है। और आप जैसे देख सकते हैं वीडियोस में, यहाँ पे एक 3D वीडियो के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे बैटरीज को सेट किया जाता है, और एक साथ इसे एक ही चैम्बर में बंद करके उसे जितने भी मैकेनिज़म होते हैं, कैसे उसे चार्ज करना है, कैसे उसे कूलिंग रखना है। और ये भी हो सकता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि अगर जो सामने जो आगे की बैटरी है जहाँ पर उनके वायर्स को जोड़ा गया, तो वो बहुत जल्दी से डिस्चार्ज हो सकते हैं और बाकी के बैटरी डिस्चार्ज ही नहीं होंगे। तो ये कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे एक प्लेट ऊपर से जोड़ा जाता है और बहुत ही पतली फिल्म यहाँ पे दबा दी जाती है, जिससे जो बैटरीज होती हैं वो एक ही साथ डाउन भी होती हैं और एक ही साथ अच्छे तरीके से चार्ज भी होती हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया जाता है। तो ये था लिथियम आयन बैटरी। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक बाइक या इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी या टू व्हीलर जो भी आप लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर है वो है इको फ्रेंडली, क्योंकि आपको पता है कि ये किसी भी तरीके का कार्बन डाइऑक्साइड गैस या किसी भी तरीके का गैस रिलीज नहीं करता, जिससे इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा बना रहता है। और दूसरा, ये आपके पॉकेट पे भारी नहीं पड़ता, यानी कि आपको इसमें किसी भी तरीके की सर्विस कॉस्ट नहीं लगती। जैसे कि अगर हम पेट्रोल गाड़ियों की बात करते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो उसमें बहुत ही तरीके के सर्विसिंग चार्जेज होते हैं, उनके जो ऑयल है उसको बदलना पड़ता है, फिल्टर्स चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जीरो कॉस्ट आपको पड़ने वाला है आफ्टर सर्विस। हाँ, यहाँ पे आपको एक चार्ज देना पड़ेगा, जब आप 7 साल 8 साल बैटरी को यूज़ कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के, तो उसे चेंज कराना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑफर सब्सिडी रहते हैं कंपनी की तरफ से, जो उसे बहुत ही कम कीमत में आपको चेंज करके दे देती है। और दोस्तों मुझे लगता है जो इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है, वो आपको फ्यूल में जो पैसा आपका खर्च होता है वो बचने वाला है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी टू व्हीलर्स का जो चार्ज करने का कॉस्ट आता है वो करीब 2 से 3 या 3 से 4 यूनिट लगते हैं बिजली का। ये करीब 15 से 20 रुपए में आपका फुल चार्ज हो जाएगा, और एक बार अगर फुल बैटरी चार्ज होता है तो कम 70 से 80 किलोमीटर यानी ज़्यादा से ज़्यादा 100-120 किलोमीटर तक आपका जो स्कूटी या बाइक आराम से वहाँ तक ट्रेवल कर लेगा। और अगर इस 15 रुपये को अगर कन्वर्ट करते हैं 100 किलोमीटर में, 80 किलोमीटर जो आपका जाता है 15 रुपये में, तो करीब 10 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से आपका कॉस्ट आता है। लेकिन अगर वही बात करें पेट्रोल गाड़ी की, जहाँ पे आप पेट्रोल डलवाते हैं, तो अभी अगर पेट्रोल की कीमतें जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, कहीं कहीं तो 100 के आसपास हो गया है,
तो अगर आपकी बाइक 50 का एवरेज देती है, यानी कि 50 किलोमीटर एक लीटर में जाती है, तो आपका 2 किलोमीटर पर रुपए के हिसाब से यहाँ आपका पड़ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक लेते हैं तो आपके पॉकेट पे हल्का रहेगा, आपके पॉकेट पे ज़्यादा खर्चा यहाँ पे नहीं होने वाला। और यहाँ पे एक और फ़ायदा है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का नॉइज़ नहीं होता, क्योंकि ये सीधे सीधे लाइट पे चलता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो यहाँ पे एक मोटर फिट कर दिया है जो उस मोटर को चलाता रहता है, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का आवाज़, किसी भी तरीके का नॉइज़ पॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये तो थे इलेक्ट्रॉनिक बाइक के फ़ायदे कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक बाइक लेते तो आपको कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके लिमिटेशन नहीं होते, जिसके एक डार्क साइड नहीं होता। तो आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के इतने सारे फ़ायदे हैं तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ पे लिमिटेशन, तो आपको यहाँ पे स्पीड लिमिटेशन मिल जाती है। अब स्पीड लिमिटेशन ये है कि जैसे कि अगर आपका पेट्रोल बाइक है तो आप, बहुत सारे पेट्रोल बाइक हैं जो 150-160 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाती है। खैर भाई, इतने स्पीड से आपको चलने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन जनरली लोग 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से तो अगर कहीं जल्दी जाना है तो जा सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स है वहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड होती है 70-80, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो अगर मैक्सिमम स्पीड ही 80 है तो 80 तक कोई यूज़ नहीं करता। ये एक्चुअली खैर शहरों में यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स का जो चलन है अभी के लिए है। और दोस्तों, यहाँ स्पीड लिमिटेशन तो है ही है, उसी के साथ आप एक लिमिटेशन और है कि अगर आप ज़्यादा दूर तक जाना चाहते हैं, जैसे आपको 200-250 किलोमीटर का दूर डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है, तो इससे थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, क्योंकि आपको रास्ते में बार बार स्कूटी को चार्ज करना पड़ेगा, बाइक को चार्ज करना पड़ेगा। और अगर इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है तो आपको एक जगह कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करते हैं वहीं पर पेट्रोल गाड़ी की, तो वहाँ पर अगर आपका पेट्रोल ख़त्म होता है तो पेट्रोल टंकी पर जाइए, आप 2 मिनट के अंदर अपनी टंकी को फुल कराएंगे और चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन है कि आप ज़्यादा दूर का अगर आपको ट्रैवल करना है तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक थोड़ा आपके लिए यहाँ पे हर्डल पैदा करेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको लिमिटेशन है उसके चार्जिंग को लेके। खैर, कंपनियाँ और गवर्नमेंट वर्क कर रहे हैं इसके पीछे कि जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन दिया जाए, और इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो टाइम है, वो इलेक्ट्रिक बाइक का ही, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ही होने वाला है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट के, तो ये है इसके पार्ट्स अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे हर जगह। जैसे अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी है, रास्ते में कहीं ख़राब हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक नॉर्मल से शॉप पे उसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप नॉर्मली उसको जाके वहाँ पे ठीक करवा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स या स्कूटी अभी इतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लोग इतना ज़्यादा परचेज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो पार्ट्स हैं हर जगह लोकल शॉप में अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर आप जिस कंपनी का स्कूटी लेते हैं तो वहीं पर शायद उनके सर्विस सेंटर में ही इनके पार्ट्स मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन अभी लगता है इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज को लेके। और दोस्तों, यहाँ पे एक जो निगेटिव पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेके, वो है इसका प्राइस, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर आप कोई पेट्रोल गाड़ी लेने जाते हैं तो अगर आपको वो कहीं 60-70 हज़ार रुपये का मिलता है, तो इसकी जो प्राइस है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से कार में भी है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कार लेने जाते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, आसमान में होती है। तो गवर्नमेंट कितनी भी सब्सिडी दे दे और सरकार की तरफ से आपसे कितना भी छूट मिल जाए, लेकिन फिर भी वो आपके पॉकेट में महंगा पड़ता है। लेकिन ये बात, एक बार अगर आप पैसा खर्च करके उसे खरीद लेते हैं तो दोबारा से आपके पॉकेट पे ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत ही हल्की पड़ती हैं। तो दोस्तों, यही कुछ था इस वीडियो में जो आपको बताना चाह रहा था, और आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाती हैं तो वो हमारे लिए ही फ़ायदा होगा, हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदा होगा। और जो हम अभी हमारे इन्वायरमेंट में इतनी सारी अशुद्धियाँ कह सकते हैं, इतना सारा पॉल्यूशन हो गया है, उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मेनली अगर बात करें हमारे मेट्रो सिटी, जैसे अगर बात करते हैं दिल्ली में इतना ज़्यादा स्मॉग होता है, तो दिल्ली गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस देना चाहिए। जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ के गवर्नमेंट्स को ज़्यादा फोकस देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी भरकम सब्सिडी हो, ताकि लोग अट्रैक्ट हों उसकी तरफ। और गवर्नमेंट को एक पॉलिसी देना चाहिए कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन का वहाँ पे कंपलसरी करें कि वहाँ पे इनको रखना है, ताकि लोग ये समझ सके, उनको प्रॉब्लम ना हो। अगर कहीं वो दूर भी लेके जाते हैं अपने बाइक को, स्कूटी को, इलेक्ट्रॉनिक या कार है, तो उनको दिक्कत ना हो चार्जिंग को लेके। तो दोस्तों, आई होप आप वीडियो समझ पाए होंगे। और अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो इस वीडियो को लेके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।